वेलकम बैक मग तुम्हें कशा हाथ। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं एकदम मस्त टकाटक। बट यार एक कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से लिया कौन सा जाए। एक है लावा अग्नि 2 और दूसरा है लावा ब्लेज कर्व 5G और दोनों के बीच में बस 500 रुपीज का ही डिफरेंस है। अभी आप अमेजोन पे जाके लावा अग्नि 2 को देखते हो तो ये 20,000 के अराउंड देखने मिल रहा होगा। बट यार ये मोस्ट ऑफ टाइम ये फोन इसके ऊपर 250 रुपीज का अमेजोन के ऊपर कूपन रहता है और उसके बाद ये फोन 17,500 के आसपास देखने मिलता है। और बात करें ब्लेज कर्व की तो ये यार 8GB 128GB लगभग 18,000 के आसपास देखने मिल रहा है और 8GB 256GB लगभग 19,000 के आसपास देखने मिल रहा है। तो हाँ यार कन्फ्यूजन बनता है कि दोनों में से लिया कौन सा जाए। और ऐसा नहीं कि यार लावा अग्नि 2 के ऊपर ब्लेज 5G के अंदर कोई अपग्रेड ही नहीं है, लगभग 6 पॉइंट के अंदर अपग्रेड देखने मिलता है। और रही बात यहाँ पे लावा अग्नि 2 की, ये भी पीछे नहीं है, इसके अंदर भी आप ब्लेज कर्व से कंपेयर करते हो ना 3 पॉइंट के अंदर अपग्रेड देखने मिलता है। चलो यार सब कुछ फटाफट वीडियो के अंदर बताऊंगा ही, बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यार डिजाइन किसकी बेटर है। देखने में तो दोनों सेम ही लगते हैं। हाँ यहाँ पे डिजाइन में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। कैसे, देखो दोनों का जो बैक है ना ये ग्लास का देखने मिलता है, दोनों भी मैट फिनिश के साथ आते, दोनों भी ज्यादा गंदे नहीं होते, फिंगर के वगैरह ज्यादा निशान इनके ऊपर नहीं आते। हाँ यहाँ पे जो लाइट वेट है ना ये ब्लेज कर्व है क्योंकि ये 189 ग्राम का देखने मिलता है जबकि लावा अग्नि 2 210 ग्राम का है, मतलब थोड़ा हेवी फील होता है। और हैंडी की भी बात करें ना, जो हैंड फील है या वन हैंड से यूज करना है तो यहाँ पे यार ज्यादा कंफर्ट ब्लेज प्रोवाइड करता है। रही बात साइड फ्रेम की, दोनों के अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है और क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है। हाँ बट यहाँ पे जब बात आती है ना फ्रंट साइड से, देखो यार दोनों के अंदर हमें कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है और जो बेजल्स है ना दोनों के भी यार सेम टू सेम है और नाक के बराबर देखने मिलते हैं और बेजल्स में बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपके मन में एक डाउट आएगा कि ब्लेज कर्व के अंदर ऊपर के साइड में एक सेंसर है वो कौन सा है। देखो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, आई थिंक ये एम्बिएंट सेंसर है जो लाइट कंट्रोल होती है ना, मतलब ऑटो ब्राइटनेस पे कम ज्यादा करती है ना, उसका ये सेंसर हो सकता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी और एक एक्स्ट्रा चीज है ब्लेज कर्व के अंदर, ऊपर के साइड में ना और एक एक्स्ट्रा स्पीकर का ग्रिल देखने मिलता है क्योंकि इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, बताऊंगा आगे इसके बारे में। उसके बाद दोनों के अंदर भी हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे हाँ आईपी रेटिंग की बात करें तो यार लावा अग्नि 2 के अंदर IP53 की रेटिंग है और आई होप सो यही सेम रेटिंग ब्लेज कर्व के अंदर भी होगी। और जो IP53 की रेटिंग है ना उसमें यार नॉर्मल डस्ट वगैरह चलेगा और ज्यादा पानी के अंदर भी डुबाना मत, हाँ नॉर्मल वाटर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट ये मतलब नॉर्मल टाइप की रेटिंग है। बाकी हाँ NFC का सपोर्ट दोनों के अंदर नहीं है, बट एक्चुअली डिस्प्ले के अंदर कितना डिफरेंस है देखो, दोनों के अंदर कर्व एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने मिलता है। और रही बात यहाँ पे डिफरेंस की तो साइज के अंदर डिफरेंस है, लावा के अंदर 6.78 इंच का डिस्प्ले है तो यहाँ पे ब्लेज कर्व के अंदर 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है। और जितने हमने इंडोर में देखा और आउटडोर में, मतलब हर्श लाइट कंडीशन पे भी देखा, दोनों की भी जो विजिबिलिटी है आउटडोर में ये सही है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इनके अंदर देखने मिलती है। और हाँ यार यहाँ पे एक डिफरेंस आता है HDR कंटेंट के अंदर, YouTube के अंदर 4K HDR दोनों भी सपोर्ट करते हैं बट यार यहाँ पे ना ब्लेज कर्व के अंदर थोड़ा सा ना कलर शिफ्टिंग का इशू है और हमने लावा को ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, इसके ऊपर जल्दी आपको अपडेट वगैरह देखने मिल जाएगा। तो यार कलर जो एक्यूरेट है ना YouTube के अंदर 4K HDR में अभी के टाइम पे लावा अग्नि 2 के अंदर देखने मिलते हैं, बट 4K HDR वीडियो जैसे आप YouTube के अंदर प्लेबैक करते हो तो फ्रेम स्कीप हो जाते हैं दोनों के अंदर। बाकी रही बात Netflix के अंदर HDR 10 का सपोर्ट दोनों के अंदर नहीं है, बाकी वाइड 1.11 देखने मिलता है, मतलब फुल HD में Netflix और Amazon पे दोनों के अंदर आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। बट रही बात वीडियो क्वालिटी की तो हाँ यार यहाँ पे ना लावा अग्नि 2 का डिस्प्ले थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है और हल्का सा कॉन्ट्रास्टी फील देता है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है ब्लेज कर्व के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है वीडियो क्वालिटी में। बट हाँ दोनों को आप साइड बाय साइड देखते हो तभी आपको पता चल जाएगा जब आप यूट्यूब पे 4K नॉर्मल वीडियो प्लेबैक करते हो तो। बट हाँ दोनों की भी डिस्प्ले नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि दोनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है और जो स्पीडली है ना हल्का सा स्पीडली मुझे ब्लेज कर्व का लगा, जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से अनलॉक करते हो तो यहाँ पे ब्लेज कर्व सबसे पहले अनलॉक करता है एज कम्पेयर टू लावा। बट यहाँ पे यार अग्नि 2 के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इसके हैप्टिक्स टक टक फील देते हैं सिस्टम के अंदर, बट यार ब्लेज कर्व के अंदर जो हैप्टिक्स है ना
ये हमें गुरगुर टाइप वाले देखने मिलते हैं, यहाँ पे टक टक वाले मिलने चाहिए थे। बट ब्लेज कर्व के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, बट अग्नि 2 के अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने मिलता है। हाँ, लाउडनेस है बट ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का मजा अलग ही होता है। चलो यार, यहाँ पे मैं फटाफट आपको सुनवा के दिखा देता हूँ। डेफिनेटली यार, यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है और ब्लेज कर्व के स्पीकर बेटर फील होते हैं। बट यार, यहाँ पे और एक डिफरेंस है 5G सेक्शन के अंदर। जैसे कि लावाग्नि 2 के अंदर हमें 13 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, बट यार 8 5G के बैंड्स हमें ब्लेज कर्व के अंदर देखने मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे स्पीड के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है और 5G दोनों के अंदर टकाटक चलता है, मतलब जो स्टेबिलिटी है ना दोनों के अंदर सही है। बाकी दोनों के अंदर 4G प्लस का भी टकाटक सपोर्ट देखने मिलता है, तो नेटवर्क के रिगार्डिंग दिक्कतें नहीं है दोनों के अंदर। बट हाँ, लावाग्नि 2 के अंदर ज़्यादा 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर भी डिफरेंस नज़र आता है, जबकि दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर हमें देखने मिलते हैं, Dimensity 7050 दोनों के अंदर है। बट यार, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अग्नि 2 के अंदर UFS 2.2 है, तो यहाँ पे ब्लेज कर्व के अंदर UFS 3.1 का यूज़ किया है। इसके वजह से जो रीड राइट स्पीड है ना, ये हमें ब्लेज कर्व के अंदर बेटर देखने मिलता है। रही बात यहाँ पे Antutu की, तो ब्लेज कर्व के जो Antutu है ना, 5,81,000 के आसपास देखने मिलते हैं, तो लावाग्नि 2 लगभग 5,47,000 के आसपास आता है। हाँ, रही बात यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग की, यहाँ पे भी क्लियर कट डिफरेंस नजर आता है। ब्लेज कर्व 89% की परफॉर्मेंस देता है और एवरेज GPU स्कोर 2,03,000 के आसपास देखने मिलती है। रही बात अग्नि 2 की, 84% की परफॉर्मेंस है और एवरेज GPU स्कोर 1,74,000 के आसपास देखने मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस स्कोर है ना, ये बेटर आ रहे हैं ब्लेज कर्व के अंदर। बट यार, गेमिंग में थोड़ा सा उल्टा सीन है, बताऊंगा आगे। बाकी रही बात ऐप ओपनिंग की, तो दोनों भी फोन फटाफट ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। हाँ, कभी कभी हेवी ऐप थोड़े से पहले यहाँ पे ब्लेज कर्व करता है, बट नॉर्मल ऐप ओपनिंग में इतना ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस मुझे गेमिंग के अंदर महसूस हुआ, और यहाँ पे ना गेमिंग बेटर अभी के टाइम पे लावाग्नि 2 करता है, क्योंकि ब्लेज कर्व को अभी भी ऑप्टिमाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम दोनों के अंदर देखने मिलता है, और HDR में अल्ट्रा मतलब ओनली 40fps का सपोर्ट देखने मिलता है। पर जितना हमने गेमिंग की स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब 60fps में, तो यार लावाग्नि 2 गेमिंग फोन जैसा बिहेव करता है और 55-60fps के बीच में इसके FPS रहते हैं, जबकि यहाँ पे ब्लेज कर्व की बात करें तो ये 50-60fps के बीच में रहता है, जबकि दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है। तो हाँ, तो यहाँ पे लावा को ना ब्लेज कर्व को BGMI के साथ थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और जैसी परफॉर्मेंस लावाग्नि 2 में देखने मिल रही है वैसी सेम परफॉर्मेंस इसके अंदर देनी चाहिए। बट यार, डिफरेंस तो बड़ा है सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे बता देता हूँ फटाफट। देखो, सबसे पहले दोनों के अंदर हमें एंड्रॉयड 13 देखने मिलता है, और दोनों के अंदर नियर बाय स्टॉक एंड्रॉयड ही है। बट यार, पूरा का पूरा क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड अब भी हमें ब्लेज कर्व के अंदर देखने मिलता है। जैसे कि आप सेटिंग के अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो लावाग्नि 2 के अंदर कुछ आइकन मॉडिफाई देखने मिलते हैं, बट ब्लेज कर्व के अंदर स्टॉक एंड्रॉयड के ही आइकन है। उसके साथ साथ सेटिंग का इंटरफेस भी पूरा चेंज हो चुका है, और जो फीचर लावाग्नि 2 में एक साथ कंबाइन देखने मिलते थे, वही सेम फीचर अब भी अलग अलग सेटिंग के साथ ब्लेज कर्व के अंदर देखने मिलते हैं। हाँ, दोनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट जो चार्जिंग के एनिमेशन वगैरह है ना, ये अभी के टाइम पे लावाग्नि 2 के अंदर ज्यादा देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू ब्लेज। बाकी दोनों के अंदर कोई ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते, कोई दोनों के अंदर एड्स भी नहीं आती, ये चीज भी सही है, और एनिमेशन दोनों के भी बहुत ज्यादा स्मूथ देखने मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, रही बात यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग की, दोनों के अंदर आप इजीली कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और दोनों के अंदर भी यार भर भर के फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट का स्पीड मीटर वगैरह इनेबल कर सकते हैं। जो डेली यूजर्स में जो फीचर है ना, ये सारे देखने मिलते हैं। बट हाँ, UI के आइकन वगैरह ये सब कुछ अभी के टाइम पे चेंज हो चुका है, और पूरा का पूरा क्लीन एक्सपीरियंस मतलब नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड पूरा का पूरा प्योर आइकन के साथ हमें ब्लेज कर्व के अंदर देखने मिलता है। रही बात यहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट की, दोनों के अंदर सही चलता है, और सारे थर्ड पार्टी एप्स के अंदर 120Hz टकाटक चल रहा है, इससे कोई दिक्कतें नहीं है। बग्स तो यार दोनों के अंदर मुझे नोटिस नहीं हुए, और लावाग्नि 2 के अंदर जो पहले बग थे ना, वो सब कुछ अभी के टाइम पे सॉल्व हो चुके हैं। रही बात यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की, देखो यार दोनों के अंदर दो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3S की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे ये दोनों भी एंड्रॉइड 13 पे आ चुके हैं, मतलब 14 और 15 दोनों के अंदर मिलेंगे मेजर सॉफ्टवेयर, तो ये सही है। और लावा की मैंने हिस्ट्री देखी है यार, ये मंथली सिक्योरिटी पैच वगैरह फटाफट पुश आउट करते हैं,
तो मुझे भरोसा है कि इनके मेजर अपडेट्स 100% इनके अंदर मिलेंगे ही। बट आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि किसका कैमरा बेटर है आज के टाइम पे और अपग्रेड है कि नहीं कैमरे के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे सेंसर के अंदर अपग्रेड है। अभी ब्लेज कर्व के अंदर हमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, जबकि लाओग्निटो के अंदर 50 मेगापिक्सल का था। बाकी यहाँ पे कैमरा स्पेक्स आप रीड कर सकते हो। और चलो यार, जो कैमरा सैंपल्स है ना, मैं आपको ना मॉनिटर के ऊपर क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से आपको टकाटक पता चल जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल शॉट हमने ट्राई किया तो हाँ, डायनेमिक रेंज कहीं ना कहीं ब्लेज के अंदर मुझे बेटर देखने मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और जो कलर ट्यूनिंग है ना, ये ब्लेज कर्व की ही बेटर है। लाओ में रेडिश टोन आती है ज़्यादातर, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट टू लाइट ऐसी कुछ हालत होती है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में एच डिरेक्शन में दोनों के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आती है, और अपोजिट टू लाइट कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है ये भी देख लेना। बाकी हाँ यार, लाओग्निटो के अंदर चेहरे के ऊपर के कलर थोड़े अजीब आते हैं। ब्लेज कर्व के अंदर कलर सही है, बट एच डिरेक्शन में दिक्कत हो रही है। बाकी अल्ट्रा वाइड की बात करें, दोनों के भी अल्ट्रा वाइड मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं आए। आप भी कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसे लग रहे। और अपोजिट लाइट भी मैंने कुछ फोटो ट्राई किए थे। बाकी लो लाइट में ट्राई किया तो लो लाइट में ब्लेज कर्व बेटर है कहीं ना कहीं। बाकी 4K 30 FPS से दोनों के अंदर आप वीडियो शूट कर सकते हैं, पर जो स्टेबलाइजेशन है ना 4K के अंदर, ये आपको ब्लेज कर्व के अंदर ही देखने मिलता है, मतलब EIS का प्रॉपर सपोर्ट है। बाकी 1080p 60 FPS की क्वालिटी कुछ ऐसी है, बट 1080p 60 FPS क्वालिटी मुझे अग्नि 2 की यहाँ पे बेटर लगी एज कम्पेयर टू ब्लेज। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बैटरी लाइफ। देखो अग्नि 2 के अंदर ना बैटरी ड्रेन के इशू कुछ यूजर्स को फेस हो रहे थे, और किसी को कम बैटरी भी मिल रही थी, लगभग 5 से 6 घंटा। बट यार यहाँ पे ब्लेज कर्व के साथ क्या हाल है। देखो लाओग्नि 2 के अंदर हमें 4700 mAh की बैटरी देखने मिलती है, और ये 66 W के फास्ट चार्जर के साथ आता है। रही बात यहाँ पे ब्लेज कर्व की, ये 5000 mAh की बड़ी बैटरी देता है, बट 33 W का चार्जर इसके साथ देखने मिलता है। और जितना हमने दोनों की भी बैटरी चेक की तो हाँ, लावा अभी भी 5 से 6 घंटे के आसपास इजीली ऑन स्क्रीन देता है, और आप मतलब आपके यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। हमारे यूजेस थोड़े हेवी होते हैं, हम गेम वगैरह टेस्ट करते हैं, BGMI वगैरह खेलते रहते हैं, और यहाँ पे जितना मैंने ब्लेज कर्व को टेस्ट किया तो 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। और ब्लेज के अंदर लगभग 5.5 से 6.7 घंटे के आसपास ऑन स्क्रीन मिलता है। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे बैटरी बैकअप के अंदर इम्प्रूवमेंट है ब्लेज कर्व के अंदर। रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड मिलता है ब्लेज कर्व के अंदर। जैसे कि 33 W का चार्जर है जिसको चार्ज करने में 80 मिनट्स के ऊपर टाइम लगता है ब्लेज कर्व को। और रही बात अग्नि 2 की, तो यार ये 66 W के चार्जर के साथ आता है, और लगभग 40 to 50 मिनट्स के बीच में ये टकाटक फुल चार्ज हो जाता है। बट ओवरऑल जो बैटरी बैकअप का कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे सही लगा ब्लेज कर्व का। बस यार चार्जिंग स्पीड स्लो है, अब क्या ही कर सकते हैं। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि दोनों में से कौन सा लिया जाए। लगभग 500 से लेके 1000-1500 का ही डिफरेंस आता है इनके बीच में जब ऑफर्स वगैरह लगते हैं। तो देखो यार, आप ब्लेज कर्व को देखते हो ना, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 6 पॉइंट से अपग्रेड है इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले IPS 3.1 इसके अंदर देखने मिलता है, जो लाओग्नि के अंदर 2.2 है। उसके बाद ब्लेज के अंदर हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, जबकि लाओग्नि 2 के अंदर सिंगल स्पीकर है। और उसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है ब्लेज के अंदर, बट 4700 mAh की बैटरी मिलती है लाओग्नि 2 के अंदर। और उसके साथ साथ जो डिज़ाइन है ना, ये ब्लेज की मुझे अच्छी लगी, और ये लाइट वेट है और ज़्यादा हैंडी है, जबकि थोड़ा हेवी फील होता है लावा, और मोटा भी फील होता है। ये कुछ 5-6 अपग्रेड्स थे ब्लेज कर्व के अंदर, बट कुछ पॉइंट्स में लाओग्नि 2 भी आगे है। जैसे कि इसके हैप्टिक्स हमें टक टक वाले देखने मिलते हैं, बट ब्लेज कर्व के अंदर गुरगुर वाले हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर 13 5G के बैंड देखने मिलते हैं, बट ब्लेज के अंदर हमें 8 5G के बैंड देखने मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 500 से लेके 1000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो ना, तो ब्लेज कर्व ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर वगैरह मेरे लिए तो यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखता हूँ बहुत सारे, और 5-6 चीज़ों के अंदर अपग्रेड भी है ब्लेज कर्व के अंदर। तो डेफिनेटली आपको आज के टाइम पे ब्लेज कर्व के साथ जाना चाहिए। और हाँ, जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है ना कहीं लाओग्नि 2 से अभी जो HDR वगैरह है ये बेटर ब्लेज कर्व के अंदर आता है। तो मेरे हिसाब से कैमरा भी बेटर है ब्लेज कर्व का, तो आपको ब्लेज कर्व के साथ ही जाना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर सकते हो, और आपके लिए ऐसे टकाटक वीडियोज हम लेके आते हैं, तो यार टकाटक सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, 2000 सब्सक्राइबर बनने चाहिए, और 2000 लाइक का टारगेट रखते फटाफट कंप्लीट कर देना। बाकी लाओग्नि 2 आप यूज कर रहे हो तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी नीचे जरूर कमेंट करना, और चैनल के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो जरूर कमेंट कर सकते हो, हम पढ़ते रहते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।